हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखिए, अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें एरियाज जो है जो कि हमें डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट करे हुए हैं, इनके रेशोस का प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो इस पूरे फिगर में ब्लू वाले का रेशो येल्लो से और रेड वाले का रेशो ग्रीन से, और इस रेशो का प्रोडक्ट निकालना है और हमें वैल्यू बतानी कि वो वैल्यू किसके बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे, वो भी एरिया की, और ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अगर हम ये जो ब्लू वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ही ट्रायंगल को हम देखें तो इन दोनों ही ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम रहेगी। सिमिलरली, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जिसका बेस 2y है, इन दोनों की भी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अगर हाइट सेम है तो जो बेस का जो रेशो होता है वही किसका रेशो होगा, एरिया का रेशो होगा। ओके, तो सपोज ये एक्स जो ये जो ट्रायंगल है जिसमें कलर नहीं है, इसका बेस एक्स है, अगर हम इसका एरिया एस मान ले तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2s। सिमिलरली, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका बेस 2y है, अगर हम इसका एरिया पी मान ले तो नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका क्या हो जाएगा, एरिया 2p। सिंपल सा लॉजिक लगाया है, ठीक है। और ये तो हमें एरिया की बात करी, तो मैं साइड में लिख देता हूं, जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका एरिया है 2s और जो येलो वाला जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो है पी। ये हमने कंसिडर करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, इसे मैं मान लेता हूं L और ये जो डिस्टेंस है इसे मैं मान लेता हूं M। L और M, तो मैं यहां पर पॉइंट दे देता हूं A B C और यहां पर लिख देता हूं कि जो A B है वो बराबर है L के और जो B C है वो बराबर है एम के। ये हमें आगे यूज में आएंगे। अब थोड़ा सा आप सोचे इस नीचे जो ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है उसके बारे में सोचेंगे तो रेड वाला ट्रायंगल भी ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा। अभी ये ब्लू और जो येलो वाला है इनका रेशियो तो हम आसानी से लिख सकते हैं, जो कि बराबर है 2s बाय पी के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करें, सी इसको नाम देता हूं मैं डी और इसको नाम देता हूं ई। ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस पूरे ट्रायंगल की हम बात करें तो यहां पर एक और ट्रायंगल मैं लेता हूं, ट्रायंगल डी बी सी जो कि ग्रीन वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ही ट्रायंगल्स की हम बात करें तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो रहेगी सेम। हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। और थोड़ा और अच्छे से देखें तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी देखें, एबीसी और डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल की भी क्या रहेगी, हाइट सेम रहेगी। तो अगर हम एबीसी ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर लें तो वो डीबीसी ट्रायंगल की हाइट के बराबर हो जाएगी। एबीसी ट्रायंगल की हाइट फाइंड करने के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो एबीडी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, एबीडी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीडी और बीडीसी, इन दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम रहेगी। तो ये जो ट्रायंगल, इसकी हम हाइट फाइंड करना चाहें तो हम एरिया के फॉर्मूले से डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है 3s के, जो कि बराबर होगा हाफ इंटू, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हमने मान लिया है l और जो हाइट है उसको मान लिया है h1। तो h1 किसके बराबर हो जाएगा, 6s बाय
एल के। सिमिलरली ये जो हाइट है अभी इस ट्राइंगल बी डी सी की हाइट के बराबर होगी, तो इसका जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो बेस है वो है एम, और हाइट हो जाएगी 6s बाय एल के। तो 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो एरिया जो कि मैं ग्रीन वाले ट्रायंगल का बता रहा हूँ है ना, वो हो जाएगा 3s एम बाय एल। अब यही सेम लॉजिक आप ये इधर साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहां से इस रेड कलर का जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो जो ट्रायंगल है बी सी ई इसका जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो बेस है वो भी हमने एम माना है, और हाइट हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जो कि बराबर आएगा 6p बाय एल के। ओके, तो अगेन यहां पर हम 3 कैंसिल कर सकते हैं और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा 3p एम बाय एल। ओके, तो हमने एरियाज फाइंड कर लिए, ब्लू वाले का, येलो वाले का, ग्रीन वाले का और रेड वाले का। अब हमें बस यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। ओके, सो यहां पर ब्लू बाय येलो का हम रेशो देखें तो वो होगा 2s बाय p के बराबर, और यहां पर हमें रेड और ग्रीन का रेशो लेना। तो रेड वाला जो ट्राइंगल है वो ये है रेड, और ग्रीन वाला ऊपर है, तो रेड वाले का जो रेशो है वो है 3p एम बाय एल के, और जो ग्रीन वाला है वो है 3s एम बाय एल के। तो एम बाय एल कैंसिल, पी से पी कैंसिल, एस से एस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2। सो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनके रेशो का जो प्रोडक्ट है वो है 2 के बराबर। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।